तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो ये टास्क है, ये राइटिंग टास्क वन है, इसको अच्छे से समझते हैं। इसमें अपने को क्या स्टेटमेंट दे रखा है, क्या अपने को इसमें बताना है। इस क्वेश्चन को हम दोस्तों बोलते हैं मैप चार्ट। इसमें हमें एक मैप दे रखा है, एक पार्क का मैप है, और ये पार्क 1920 में कैसा था और आज ये पार्क जो है वो कैसा दिखाई पड़ता है, क्या इसमें फेरबदल हुए हैं, फेरबदल को क्या बोलते हैं, चेंजेस हुए हैं यहाँ पे, क्या इसमें अल्टरेशंस आई हैं, क्या इसमें जो है वो मॉडिफिकेशंस हुए हैं, कोई चीज ऐसी है जो अब है पहले नहीं थी, या कोई चीज ऐसी है जो बिल्कुल नए सिरे से यहाँ तैयार हुई है। फोटो से काफी चीजें अपने को पता चल रही हैं। जैसे मैं थोड़ा अंकुर और हरप्रीत आपकी भी हेल्प लूंगा इसमें। पहले हरप्रीत मेरे को आप बताइए, 1920 में जब ये ग्रेंज पार्क था जो इसका नाम है, तो इसमें ऐसी क्या क्या चीजें थी 1920 में जो अब वाले ग्रेंज पार्क में नहीं है। एक बार देखो, दोनों फिगर्स को देखकर आप बताओ मुझे एक एक करके क्या चीज अब मिस हो गई है। सर, पहले सेंटर में फाउंटेन था जो अब रोज गार्डन से रिप्लेस हो गया, बिल्कुल ठीक है, पहले फाउंटेन और था, अब वो उसके रोज गार्डन से, ठीक है। और जो ग्लास हाउस है उस वो वॉटर फीचर से हो गया रिप्लेस। जी बिल्कुल, वाटर फीचर आ गई वहां पे, ठीक है। हाँ और इसमें स्टेज फॉर मजिशियन मजिशियंस था, ये हाँ अब किसी रिप्लेस, एम्फी थिएटर एंड से, ये एयरपोर्ट हाँ 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 बिल्कुल, आप सही कह रहे हो बच्चे, ठीक है। कुछ नेटवर्क इश्यू है आपका, कोई बात नहीं, कुछ कुछ नेटवर्क इश्यू है आपका, कोई बात नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ। और ये इन्होंने ठीक बताया है, अंकुर जी आप भी समझ पा रहे होंगे, कई सारी चीजें हैं जो अब चेंज जी हो गई है ना। जैसे इसको बिल्कुल ये समझो कि आप जिस कंपनी में काम करते हो वहां पे पहले कोई वर्कशॉप थी, वहां पहले वेल्डिंग होती थी, अब वेल्डिंग की वर्कशॉप कहीं और शिफ्ट हो गई है, वहां पे अब जो है वो फोर्जिंग का काम होने लगा है, या कोई फाउंड्री की वर्कशॉप आ गई है, मतलब इस तरह से फेरबदल हुए हैं। तो इनको लिखते कैसे मैं आपको समझाऊंगा, एक एक चीज समझेंगे हम इसकी। राइटिंग टास्क वन है, कल हमने टू किया था और उसका वीडियो भी यूट्यूब पे है, तो आप उसको अच्छे से देख लेना, उससे काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब मैं एक एक करके पॉइंट्स आपको बताता हूँ। जो ग्रेंज पार्क 1920 में था उसमें सेंटर में फाउंटेन था, जो आज की डेट में चेंज होके रोज गार्डन बन चुका है। रोज गार्डन जिसके चारों तरफ सीट्स आ गई हैं, चारों तरफ को क्या बोलते हैं, आप साथ साथ लिखते रहना, चारों तरफ को बोले पेरीफ्री, पेरीफ्री पे इसके सीट्स आ गई हैं बैठने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज जो आपका ग्रेंज पार्क 1920 में था, अच्छा इसकी ना डायरेक्शन बना लेते हैं, जब भी हम कोई मैप का क्वेश्चन करते हैं ना, साइड में ऐसे डायरेक्शन बना लिया करो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब जैसे ये आपका पॉन्ड फॉर वाटर प्लांट्स है, यहां कहीं पे पड़ रहा है ना, तो इसको बोले नॉर्थ ईस्ट। तो आप बोलोगे कि 1920 वाला जो ग्रेंज पार्क था उसके नॉर्थ ईस्ट पे पॉन्ड फॉर वाटर प्लांट्स थे, लेकिन अब वहां पे नॉर्थ ईस्ट में उसकी जगह आ गया बच्चों के खेलने का एरिया, चिल्ड्रन प्ले एरिया। फिर आप बोलोगे जो एक नॉर्थ में एंट्रेंस के राइट में बोलोगे नॉर्थ डायरेक्शन, ये वाला जो रोज गार्डन है मैं इसकी बात कर रहा हूं, एक बार थोड़ा रब करके आपको अच्छे से समझाता हूं। जो आपका दोस्तों ये वाला रोज गार्डन है, ये अब चेंज होके कैफे में आ गया। अब इस रोज गार्डन को कैसे लिखोगे, जो नॉर्थ डायरेक्शन में एंट्रेंस था, ऊपर भी देखो एंट्रेंस है नीचे भी, मतलब इस पार्क में दो जगह से एंट्री कर सकते हो आप, नॉर्थ से भी और साउथ से भी। तो नॉर्थ वाला जो एंट्रेंस था उसके राइट साइड में एक रोज गार्डन था जो अब चेंज हो गया है कैफे में, अब चेंज हो गया है, इट हैज बीन रिप्लेस्ड। ग्रामर क्या लगेगी आप लिखते रहिएगा साथ में, इट हैज बीन रिप्लेस्ड नाउ, या तो ये ग्रामर लगा दो इट हैज बीन रिप्लेस्ड, या फिर आप ग्रामर क्या लगाओ, कैफे हैज टेकन प्लेस ऑफ रोज गार्डन, या तो कैफे हैज टेकन प्लेस द रोज गार्डन लिख दो, या लिख दो इट हैज बीन रिप्लेस्ड, या रोज गार्डन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कैफे। अच्छा, उसके बाद अब हमने देखो क्या क्या पॉइंट्स मेंशन कर दिए, पॉन्ड वाली चीज मेंशन कर दी, रोज गार्डन मेंशन कर दिया। अब एक थोड़ा सा और आप देखो, जो नॉर्थ में एंट्रेंस है ये वाला, इसके लेफ्ट में सीट्स थी, अब ये सीट्स हटा दी हैं, अब यहाँ कोई सीट नहीं है, पहले
ऊपर सीट थी एंट्रेंस के लेफ्ट में, अब कोई सीट नहीं है। ऊपर जो रोज गार्डन था, ये रोज गार्डन किस साइड में आएगा? ये आएगा आपका नॉर्थ वेस्ट में, ये नॉर्थ वेस्ट में आएगा आपका। ये रोज गार्डन एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ पे सीट्स थी जो आपकी, ये रिप्लेस हो गई है। और यहाँ पे जो म्यूजिशियंस के लिए स्टेज हुआ करती थी 1920 में, अब उसकी जगह क्या आ गया? एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर क्या होता है? एक ओपन एरिया में होती है, एक स्टेज सी लगी होती है, सामने बैठने की चेयर्स होती है, ऊपर 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 करके कोई परफॉर्मेंस वगैरह होती है, उसकी छत नहीं होती, ओपन होता है वो, ओपन एयर थिएटर भी बोल सकते हो। वो यहाँ पूरा का पूरा सेटअप आ गया उसका, यानी ये पूरा एक बड़ा चेंज इसमें आया। ये जो नीचे रोज गार्डन था, ये अब यहाँ भी अब जो है खाली स्पेस है, अब यहाँ भी इन्होंने कुछ नहीं जो है वो कंस्ट्रक्ट किया, ओपन स्पेस ही इसको रखा है। अच्छा, और इसमें कुछ सीट्स नीचे वाले जो एंट्रेंस के साथ थी 1920 में, ये भी रिप्लेस हुई है। ये वाली देखो सीट्स जो है वो, ये यहाँ से सब गायब हो गई है, ये वाली सीट भी यहाँ से गायब हो गई है देखो, और ये सीट भी अब जो है नहीं है, सिर्फ एम्फी थिएटर के सामने ही सीट बना दी है काफी सारी। उसके अलावा एंट्रेंस है आपका, अच्छा एक एंट्रेंस आपका आर्नोल्ड एवेन्यू पे है और एक एंट्रेंस आपका एल्डन स्ट्रीट पे, ये सेम है अभी भी। एंट्रेंस अभी भी पार्क में एंट्री करने के दो ही रास्ते हैं, पहले भी दो थे अभी भी दो हैं। उसके अलावा नीचे ग्लास हाउस हुआ करता था, ग्लास हाउस को इन्होंने रिप्लेस कर दिया वाटर फीचर्स के साथ। और एक सॉरी हाँ एक चीज अभी देखी है मैंने भी, एक अंडरग्राउंड पार्क कार पार्किंग जरूर बन गई है, मतलब पहले पार्किंग का कोई प्रोविजन नहीं था 1920 में। अब ये लाइन आप कैसे लिखोगे? नाउ द कार पार्किंग प्रोविजन हैज बीन एडेड टू द पार्क। नाउ द कार पार्किंग प्रोविजन हैज बीन एडेड टू द पार्क, उसका नाम लिख लेंगे कि एक अंडरग्राउंड कार पार्क आया। और ये आया कहाँ पे है सर? देखो इसकी डायरेक्शन, क्योंकि ना मैप में डायरेक्शंस का बहुत बड़ा रोल है, डायरेक्शन से पता चलता है किस साइड की बच्चा जो है अभी मैप में बात कर रहा है। तो ये डायरेक्शन आपकी, अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, कभी भी कोई मैप का क्वेश्चन करो पहले ऐसे एक जमा का निशान बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर लो, ये यहाँ कोने में है तो इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट, यानी पार्क के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अब एक अंडरग्राउंड कार पार्किंग का प्रोविजन आ गया है। लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है, पहले ये था कि इंग्लिश क्या बनेगी, देयर वॉज ए जो भी चीज थी वहां पे इन 1920, अब क्या हो गया है? नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड, नाउ इट हैज बीन, नाउ द प्लेस हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। और ये जो वीडियो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको जब आप दोबारा देखेंगे या तीसरी बार देखेंगे कॉपी पेन लेके, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो कोई भी चीज क्लियर बार बार उसको स्टडी करने से ही होती है। अब बात करते हैं इसको हमने लिखना कैसे है, इसमें क्या क्या लिखना है, चलो एक एक करके वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पता है राइटिंग टास्क टू में अपने को लिखना होता है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन जो है हमें इसने दे भी रखा है, ये इसने क्वेश्चन में दे रखी है अपने को स्टेटमेंट, ये वाली इसको हम पैराफ्रेज करेंगे। मैं अभी आपको पैराफ्रेज करके बताता हूँ कैसे कैसे करोगे। जैसे इसने क्या लिखा है, एक बार अंकुर जी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना, जो मैंने ये ब्लू ब्लू मार्क किया, इसका इंट्रोडक्शन क्या है अंकुर भाई? हाँ जी सर, सर दी प्लान्स बिलो शो ए हाँ पब्लिक पार्क व्हेन इट फर्स्ट ओपन्ड इन 1920 एंड द सेम पार्क टुडे। जी बिल्कुल, तो आपने ये जो इसने दे रखा है इसको स्टेटमेंट को पढ़ दिया, अब आप इसमें क्या बोलेंगे, चेंज कैसे करेंगे? द गिवन मैप चार्ट्स, दो चार्ट हैं तो चार्ट के आगे एस लगेगा, द गिवन मैप चार्ट्स इलस्ट्रेट्स, शो की जगह लिख लेंगे इलस्ट्रेट, ILLUS TRATE, इलस्ट्रेट का मतलब होता है कोई चीज फोटो बना के समझाना, तो मैप का अपने को फोटो बना रखा है उससे समझा रहे हैं कि क्या फेरबदल हुआ है। द गिवन मैप चार्ट्स इलस्ट्रेट ए पब्लिक पार्क, पब्लिक पार्क को आप चाहो तो जनरल पब्लिक पार्क लिख सकते हो, वैसे पब्लिक पार्क भी ठीक है। व्हेन व्हेन की जगह लिख सकते हो एट द टाइम, एट द टाइम व्हेन इट वॉज फर्स्ट ओपन, ओपन की जगह आप लिख सकते हो स्टार्टेड इन 1920, एंड द पार्क एट प्रेजेंट, यहां पे टुडे की जगह लिख सकते हो द पार्क एट प्रेजेंट। उसके बाद आप इसमें एक लाइन और भी लिख सकते हो कि पार्क में जो है वो
अच्छा, उसके बाद और लाइन तो खैर नहीं लिख सकते, इसके बाद हम इसमें ओवरऑल लिख सकते हैं। ओवरऑल यहाँ क्या समझ में आ रहा है अपने को, जो मैप होता है और जो प्रोसेस चार्ट है उसका ओवरऑल थोड़ा सा जो है अपने को मैनिपुलेट भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे बार ग्राफ होता, पाई चार्ट होता, तो वहां क्लियर कट होता है मैक्सिमम वैल्यू कब है, मिनिमम कब है। अब यहाँ ऐसी तो कोई सिचुएशन है नहीं। यहाँ पे आप ओवरऑल में क्या लिख सकते हो, फ्रॉम द ओवरऑल स्कैनिंग ऑफ द गिवन मैप चार्ट्स इट इज क्लियर, ये तो लाइन हम लगभग लिखते ही हैं। उसके बाद आप लिखोगे क्या कि मैप जो ये आपका पार्क है, ग्रेंज पार्क है, इसमें काफी ज्यादा अल्टरेशंस हुई है, तो इसको आप क्या बोलोगे, ए लॉट ऑफ अल्टरेशंस हैव टेकन प्लेस इन द ग्रेंज पार्क, ए लॉट ऑफ अल्टरेशंस या मॉडिफिकेशंस हैज बीन टेकन प्लेस इन द ग्रेंज पार्क। और इसके बाद आप एक लाइन और भी लिख सकते हो, वो ये है, वेरियस न्यू फैसिलिटीज हैव बीन एडेड टू इट, कि काफी सारी नई चीजें ऐड हुई हैं। जैसे अब वो, जैसे मैं आपको वैसे बता रहा हूँ समझाने के लिए, आपने लिखना नहीं है, जैसे यहाँ पे चिल्ड्रन प्ले एरिया अब आ गया, पार्किंग का भी सिस्टम आ गया, वाटर फीचर भी आ गई, एम्फी थिएटर भी बन गया, रोज गार्डन भी बन गया, मतलब अब इसमें काफी कुछ नया आ गया, तो ये चीज ओवरऑल में आप लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन की एक ही लाइन बनी है यहाँ पे, ओवरऑल में आपने एक लाइन, दो लाइनें बना दी हैं। क्या लग बनाई है कि फ्रॉम द ओवरऑल स्कैनिंग ऑफ द गिवन मैप चार्ट्स इट इज क्लियर देयर हैज बीन ए लॉट ऑफ अल्टरेशंस हैज टेकन प्लेस, और दूसरा आपने लिखना है बहुत सारी नई फैसिलिटीज ऐड हो गई हैं, वेरियस न्यू फैसिलिटीज हैव बीन एडेड टू द पार्क। अच्छा जी, उसके बाद अब आएंगे बॉडी पैराग्राफ में। बॉडी पैराग्राफ या तो आप एक ही बना दो बड़ा सा, या छोटे छोटे दो पैरा बना दो। अब उसमें देखो करना क्या है सर, आपने इसमें ना 1920 और अभी हाल फिलहाल का जो पार्क है साथ साथ लेके चलना, पहले ये था अभी ये था। कुछ चीजें तो वो पकड़ो जो सेम है उनको लिख लो दो या तीन लाइन में, कुछ चीजें वो देखो जिनकी जगह कोई नई चीज आ गई है। अब जैसे देखो सेंटर में आपके क्या था, पहले फाउंटेन था, सेंटर से ही शुरू करते हैं। चलो तो इसमें आप सबसे पहले क्या लिख सकते हो, सबसे पहले आप लिख सकते हो इन द 1920 देयर वॉज ए फाउंटेन इन द सेंटर ऑफ द पार्क, देयर वॉज ए, ग्रामर क्या लिखनी है, देयर वॉज ए फाउंटेन इन द सेंटर, और अब क्या हो गया, बट नाउ, बट नाउ का मतलब लेकिन अब, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ए रोज गार्डन, रोज गार्डन है और उसके चारों तरफ सीट्स हैं बैठने की जगह, तो क्या लिख सकते हो, रोज गार्डन वाली लाइन लिख के विद सराउंडिंग सीट्स या विद सराउंडिंग सीटिंग फैसिलिटी, सराउंडिंग का मतलब था उसके आसपास। तो अब फाउंटेन की जगह, पहले फाउंटेन था, देयर वॉज ए फाउंटेन, इसकी ग्रामर ये बनेगी। अब यहाँ पे क्या हो गया है, रोज गार्डन, अब इसकी ग्रामर क्या बनेगी, बट नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय रोज गार्डन विद सराउंडिंग सीट्स, ठीक है जी। उसके बाद एंट्रेंस, इसके पहले भी दो थे अभी भी दो है, ये लाइन हम लिख लेंगे, आप लिख सकते हैं एंट्रेंसेस टू द पार्क आर स्टिल द सेम, वन इज इन नॉर्थ अदर इज इन साउथ, कि एंट्रेंस इसके दो ही हैं, एक नॉर्थ में है एक साउथ में है। उसके बाद आप इसमें क्या देखेंगे, इसमें अब आप ले लो रोज गार्डन को, कि यहाँ पे पहले देखो रोज गार्डन एक था, दो था, तीन थे, 1920 में तीन रोज गार्डन थे, पर अब एक सेंटर में रोज गार्डन आ गया है और एक रोज गार्डन अभी भी वहीं पे है। मतलब देखो एक रोज गार्डन जो ऊपर वाला था, ऊपर वाले का मतलब क्या है, जो आपका किसमें था, नॉर्थ वेस्ट में था, नॉर्थ वेस्ट वाला रोज गार्डन अभी भी है, बाकी दो रोज गार्डन खत्म होके सेंटर में एक बड़ा रोज गार्डन आ गया, रोज गार्डन अभी भी है यहाँ पे, अब लेकिन सेंटर में आ गया, पहले साइडों में। अच्छा, उसके बाद आपका फिर एक और बड़ी मेन चीज आ रही है कि नॉर्थ ईस्ट में पहले एक पॉन्ड होता था, पॉन्ड मतलब तालाब, पहले एक वाटर प्लांट्स के लिए पॉन्ड था, अब ये पूरी तरह से रिप्लेस हो गया चिल्ड्रन प्ले एरिया, तरीका वही है, देयर वॉज ए पॉन्ड फॉर वाटर पार्क इन नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट बट नाउ इट हैज बीन टोटली रिप्लेस्ड या सब्स्टिट्यूटेड, कभी कभी लिख दो सब्स्टिट्यूटेड, कभी कभी लिख दो रिप्लेस्ड। उसके बाद फिर आप ये ग्लास हाउस वाला जिक्र करो कि जो है इसके, अब ग्लास हाउस की डायरेक्शन क्या बनेगी, ग्लास हाउस की डायरेक्शन बनेगी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में 1920 में एक ग्लास हाउस था, देयर वॉज ए ग्लास हाउस इन 1920 इन द साउथ ईस्ट, नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय वाटर फीचर, और इसी के साथ साथ एक अंडरग्राउंड कार पार्किंग का भी आ गया है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो सर, मैप को
लिख सकते हो। और यहां पर ये आपको मैं कैम्ब्रिज की बुक से ही पढ़ा रहा हूं, टेस्ट 4 है ये, पेज 94 पे। इसी हर एक कैम्ब्रिज की बुक के लास्ट में सर आपको ना सोल्ड एग्जाम्पल भी मिलते हैं हर एक राइटिंग टास्क के, कभी कभी अच्छे ब्रांड के भी होते हैं, कभी कभी जनरल भी होते हैं। अब जैसे ये इसका आपको एक सैंपल भी दे रखा है इन्होंने, इससे भी काफी कुछ मिलेगा। और ये कह रहा है कि एग्जामिनर ने इसको प्रिपेयर किया और एक काफी अच्छा आंसर है, तो इसने क्या किया है अपने तरीके से इसने पूरी चीजों को लिखा है। तो ये भी आप एक बार इसको जरूर स्टडी करना, और जो मैं आपको बताकर आया हूं उसको भी स्टडी करना, और फिर आज इसको लिखना भी है आपने। यहां से भी आपको कुछ ना कुछ ग्रामर मिलेगी, डायरेक्शंस मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है, साउथ साइड कहाँ पे है, जो एंट्रेंस है एंट्री आपने देखा ऊपर और नीचे, नॉर्थ में भी थी साउथ, उनके सड़कों के नाम भी थे कुछ ना कुछ, तो कैसे उसने लिखा है, कौन सी नई फीचर को क्या ग्रामर इसने लगाई है, तो काफी कुछ आप इसमें सीखने वाले हैं। तो ये टास्क आज आपका एज ए होमवर्क आपको रहेगा, और ये टेस्ट नंबर 4 का सर आपका राइटिंग टास्क होना है, इसको हम बोलते हैं मैप चार्ट। आपके पास राइटिंग टास्क 1 में बार ग्राफ भी आ सकता है, लाइन ग्राफ भी आ सकता है, पाई चार्ट भी आ सकता है, टेबल चार्ट भी आ सकता है, प्रोसेस चार्ट भी आ सकता है, और एक ये आपका हो गया मैप चार्ट। कुछ दिन पहले हमने प्रोसेस चार्ट भी देखा था, तो इसको आज आपने लिखना है। हरप्रीत और अंकुर, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, जो चीजें हमने मेन मेन नोटिस करी है यहाँ पे? अच्छा, जी सर, तो बाकी ये अपने पास रिकॉर्ड तो हो ही गया है, तो मैं इसको एक बार क्लास फिनिश होते ही इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। ये कल कल हमने ये वाला ऐसे किया था, इसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूं जिससे आपकी हेल्प हो जाए। और एक बार मैं और देख लूं कोई राइटिंग टास्क 1 ऐसा है जो हमने मिस कर दिया हो, तो थोड़ा सा मैं आपको उसका भी आइडिया दे दूं, क्योंकि आज मैंने अपनी सारी एनर्जी जो है राइटिंग और स्पीकिंग पर ही लगानी है। ये हमने कर लिया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन वाला, इसके अलावा टेस्ट 2 में देखता हूं मैं क्या था टास्क हमारा, क्या हमने किया है वो, ये भी हमने किया था मुझे याद है। तो इस बुक के तो लगता है हमने चारों की टास्क 1 अच्छे से अटेम्प्ट करे हैं। ये भी देख लें एक बार, ये हमारा रह गया था, आओ एक बार इस पर भी थोड़ी मेहनत कर लेते हैं ताकि हमारा ये भी टास्क हो जाए। अब इसकी एक बार स्टेटमेंट जो है वो हरप्रीत जी पढ़ना एक बार, ये पाई चार्ट है, इसको पाई चार्ट कहते हैं हम। हरप्रीत जी एक बार इसकी इंट्रोडक्शन को पढ़ दो आप, क्या है? द चार्ट्स बिलो शो द एवरेज परसेंटेज इन टिपिकल मील्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑल ऑफ व्हिच मे बी अनहेल्दी इफ ईटन टू मच। जी, ये कहता है कि आपको हमने चार्ट्स दिए हैं, वैसे तो 3 चार्ट इसने दिए हैं, कहता है हमने आपको चार्ट्स दिए हैं और हम आपको बता रहे हैं कि ज्यादातर जो है पर्सन सुबह का खाना खाते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं, और बीच में स्नैक्स भी ले लेते हैं जैसे चाय के साथ कुछ ले लिया। तो 4 तरह का इसने मील दे रखा है, मील का मतलब है भोजन खाना। तो कहते हैं हमने आप जो मील्स आप खाते हो उसमें 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स को लिया, जैसे हम लोग मीठा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, या जो भी खाने पीने की चीज खाते हैं उसके साथ साथ हम न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं उस मील के दौरान। तो इसने न्यूट्रिएंट्स में सोडियम लिया है, एडिड शुगर लिया है और सेचुरेटेड फैट लिया है, 3 चीजों के बारे में इसने जिक्र अपने से किया है। और ये कहता है ये सारी वो चीजें हैं जो अगर आप ज्यादा कंज्यूम कर लेते हो तो ये सेहत के लिए बहुत नुकसान आपको करती हैं। ठीक है जी, अब थोड़ा सा एक बार हम इनको पाई चार्ट को भी स्टडी कर लेते हैं। पाई चार्ट में क्या है, अब देखो ये सोडियम के बारे में डेटा है, ये डेटा सेचुरेटेड फैट का है, ये डेटा आपका एडिड शुगर का है। इसमें जो ब्लैक वाला है वो डिनर के टाइम का परसेंटेज है, जो आपका ये चेक सा बना हुआ है जो जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं ये लंच के टाइम का है, जो ग्रेइश है वो ब्रेकफास्ट है, और जो बिल्कुल वाइट है बैकग्राउंड में वो स्नैक्स के टाइम पे है। तो मैं अब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जो ग्राफ में बिल्कुल क्लियर है। अंकुर जी मुझे ये बताइए कि हमें जो सोडियम है वो सबसे ज्यादा हम किस डाइट में कंज्यूम करते हैं? अंकुर, सोडियम सोडियम हम किस डाइट में सबसे ज्यादा ले रहे हैं? बता दिया है आपने, शायद मैं सुन नहीं पा रहा। नहीं नहीं सर, मैंने नहीं बताया सर, ये रहा बताया नहीं। 43%, 43% ये डिनर के टाइम पे, ब्लैक वाला डिनर का है। तो डिनर में हम सोडियम सबसे अच्छा, ठीक ज्यादा ठीक
ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हरप्रीत, मेरा डोली तो 3 में हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद हरप्रीत जी आप मुझे बताइए, जो सैचुरेटेड फैट है वो हम किस डाइट में सबसे ज्यादा ले रहे हैं? सर, वो भी डिनर में ही ले रहे हैं ज्यादा। वेरी गुड। ये चीज देखो निकल के आई है कि हमने क्या किया है कि हम सैचुरेटेड फैट और सोडियम सबसे ज्यादा कंज्यूम करें डिनर में। ये पॉइंट ओवरऑल में काम आएगा अपने, जो मेन सी चीजें होती है ना वो ओवरऑल में लिखने वाली होती है। और एडिड शुगर है वो सबसे ज्यादा किस डाइट में ले रहे हैं? स्नैक्स में। तो ये लिखने वाली चीज है कि सोडियम एज वेल एज सैचुरेटेड फैट ये हम कंज्यूम करते हैं डिनर के टाइम पे सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका, सबसे ज्यादा मात्रा इनकी, क्वांटिटी इनकी। लेकिन एडिड शुगर, लेकिन को क्या लिखते हैं, तो वाइल या ऑन द अदर हैंड जो एडिड शुगर है वो सबसे ज्यादा कंज्यूम करी जाती है स्नैक्स के दौरान। अब सबसे ज्यादा कंज्यूम करी जाती है, इसकी ग्रामर क्या बनेगी? इट इज कंज्यूम्ड हाइएस्ट इन द स्नैक्स। इट इज की जगह क्या आ जाएगा? एडिड शुगर इज कंज्यूम्ड हाइएस्ट इन द स्नैक्स। तो इस तरह से ओवरऑल आ जाएगा। इंट्रोडक्शन ये जो आपका दिया है इसी को हम फिर बदल करेंगे। कैसे बनेंगे? द चार्ट्स की जगह हम लिख लेंगे द 3 पाई चार्ट्स, बिलो हटाकर शो की जगह लिख लेंगे कंपेयर। द 3 पाई चार्ट्स कंपेयर द एवरेज परसेंटेजेस, परसेंटेजेस की जगह हम लिख सकते हैं प्रपोर्शंस, प्रपोर्शंस इन टिपिकल मील्स, टिपिकल मील्स की जगह भी लिख सकते हो इन टिपिकल मील्स ऑफ 4 टाइम्स, 4 टाइम दे रखे हैं सुबह दोपहर शाम का और स्नैक्स का, ऑफ 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बाद हम न्यूट्रिएंट्स के नाम भी लिख सकते हैं सोडियम कोमा सैचुरेटेड फैट एंड एडिड शुगर, और ऑल ऑफ विच मे बी हेल्दी इफ ईटन टू मच। इस लाइन को हम पैराफ्रेज करके लिख सकते हैं, अनहेल्दी की जगह हम लिख सकते हैं उसके हेल्थ हजार्ड होते हैं, ईटन की जगह लिख सकते हैं कंज्यूम्ड अगर उसको ज्यादा कंज्यूम कर लिया जाता है। अच्छा, इसमें आप एक लाइन और लिखोगे इंट्रोडक्शन में, वो क्या लिखोगे? ऑल द डेटा हैज बीन कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, कि सारा जो डेटा है मेरे को चार्ट में वो परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है। ये 2 चीजों से बन गया आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप लिखेंगे ओवरऑल। ओवरऑल अभी अभी हम बात करके हटे थे, आप क्या लिख दो कि सबसे ज्यादा जो सोडियम है, सबसे ज्यादा सेचुरेटेड फैट है वो डिनर के टाइम पे कंज्यूम किया जाता है, लेकिन जो एडिड शुगर है वो सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है स्नैक्स के दौरान, स्नैक्स वाली जो मील है। ये इतना हो गया। उसके बाद अब बात आती है आपके बॉडी पैराग्राफ की, कि भैया बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखेंगे। अब बॉडी पैराग्राफ में आप क्या करो, दो दो तीन तरीके बताता हूं आपको। जैसे पहला तरीका तो क्या है, आप ब्रेकफास्ट को पकड़ो और स्नैक्स को पकड़ो, ब्रेकफास्ट और स्नैक्स का एक पैरा बना दो और लंच और डिनर का एक पैरा बना दो। अब जो ब्रेकफास्ट वाला पैरा बनाओगे उसमें क्या करो, ब्रेकफास्ट वाले में आप क्या करो, सबसे पहले बताओ ब्रेकफास्ट जो है सोडियम, मतलब ब्रेकफास्ट में जो आपका सोडियम है वो 14% है और जो सेचुरेटेड फैट है वो 16% है। तो और ये 14 और 16% जो है आपका कोई ज्यादा अमाउंट भी नहीं है लेकिन लगभग इक्वल सा ही है। और आप यहाँ देखोगे नीचे जो आपका ब्रेकफास्ट में आपका ये डेटा मेरा सोडियम का है, सैचुरेटेड फैट का है और ये डेटा एडिड शुगर का, यानी करीब करीब मेरा जो ब्रेकफास्ट है उसमें तीनों चीजें इक्वल सी ही जा रही हैं, 14 16 16। ठीक है, ये एक कंपैरिजन हो गया मेरा। इसमें ज्यादा कौन सा है, सैचुरेटेड फैट और एडिड है, एडिड शुगर है, जबकि सोडियम थोड़ा सा कम है। फिर एक उसी में एक लाइन और जोड़ देंगे हम साथ में इसकी, स्नैक्स की। स्नैक्स हम बता देंगे कि स्नैक्स में हम सबसे ज्यादा क्या ले रहे हैं, एडिड शुगर ले रहे हैं, उसके बाद सैचुरेटेड फैट दूसरे नंबर पे है, सोडियम सबसे कम मात्रा में हम ले लेते हैं जब हम शुगर स्नैक्स की डाइट लेते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पैरा बना लेना लंच और डिनर का। अब लंच वाला देखते हैं, देखो ग्राफ कैसा है। ये लंच वाला है जिसमें आपके छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं। लंच में आप सबसे ज्यादा सोडियम खाते हैं, उससे थोड़ा सा कम सैचुरेटेड फैट खाते हैं और उससे काफी कम खाते हैं आप एडिड शुगर, यानी एडिड शुगर आपकी लंच के टाइम पे कम है, सोडियम बहुत ज्यादा है। फिर आपका एक बड़ा सेंटेंस बन जाएगा डिनर का। डिनर वालों को आपस में आप कंपेयर कर लेना। डिनर में अब आप क्या लिखोगे,
कि डिनर में सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है सोडियम, उसके बाद कंज्यूम होता है सेचुरेटेड फैट, और उन सबसे काफी कम है आपका एडिड शुगर। तो एक तरह से आपने क्या किया, जो खाने का टाइम है उसके हिसाब से ग्राफ को डिवाइड कर लिया। ब्रेकफास्ट और स्नैक्स का एक पैरा बन गया, एक पैरा बन गया लंच और डिनर का। तो इस तरह से आपका इंट्रो भी फिट हो गया, आपका ओवरऑल भी फिट हो गया, और आपके दो बॉडी पैरा भी बन गए, और अपने को क्वेश्चन भी समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं, जिसमें आपको तीन बॉडी मतलब तीन जो है पाई चार्ट दे रखे होते हैं, तीनों में अलग अलग डेटा है। कोशिश करनी है चार्ट को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि उससे फिर लिखने में काफी अपने को जो है वो इजी रहता है। अदरवाइज बच्चा फिर जो है वो ऐसा लगता है उसको जैसे मैं तुक्के से लिख रहा हूं, पर बेहतर होगा हम एक बार टास्क को अच्छे से एनालाइज कर लें, उसको एक बार स्टडी कर लें। तो ये हरप्रीत और अंकुर, क्या ये आप टास्क समझ पाए हैं, जो ये पाई चार्ट्स थे? चलिए बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं अभी पॉज देता हूं और स्पीकिंग की क्लास के लिए दोबारा आता हूं, फटाफट से आप मुझे रिज्वाइन कर लो। इस वीडियो को मैं क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा, इसमें हमने देखो पाई चार्ट भी डिस्कस कर लिया, मैप चार्ट भी। तो दोनों आप जब वीडियो को समझेंगे अच्छे से तो आप इसको लिख पाएंगे, और कोशिश करना आज आप इन दोनों टास्क को लिख ही लेना। राइटिंग का केवल इतना ही वर्क मैं आज आपको दे रहा हूं, एक आपका पाई चार्ट हो गया, एक आपका मैप चार्ट हो गया। तो आइए दोबारा से शुरू करते हैं, मैं स्पीकिंग की क्लास के लिए आता हूं, आप ज्वाइन कर लीजिए।